बच्चे हैं, जब मैं घर से बाहर स्टेप करता था तो दोनों मुझे चिढ़ जा रहे थे, आप फिर जा रहे हो क्योंकि मैं एक महीना बाहर रह गया हूँ, तो उनको लगा मैं फिर आज बाहर जा रहा हूँ। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि लेट आना तो मैंने था एक, पर लेट आया हूँ तो मैं, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं समय पर पहुँचने की मुझे आदत है, पर आज मैं लेट हूँ तो उसके लिए पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। बट आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और इस बुक का पार्ट बन सकूँ, मेरा सौभाग्य है। और आए हुए सब आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं मेरी, नहीं तो मैं गायक होता, गाना भी गाया। बट आए हुए सारे खास लोगों को बहुत बहुत प्यार सत्कार, और मैं यही कहूँगा कि जो ये बुक है सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हैप्पीनेस की, क्योंकि हम सब अपने अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, और उसमें अगर कोई आपकी जीवन में छोटी सी चीज़ थोड़ी सी भी खुशी दे सके तो उसको जरूर बटोरिए। और आपको ये बुक के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और मैं ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत फास्ट लेन में कर ली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, क्रिकेट के बाद मैं ज़्यादा और ज़्यादा बिजी हो गया, पर कभी कभार हम जो एक्चुअल खुशियाँ हैं ना वो भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशियाँ देते हैं, तो मैं ज़रूर इस बुक के ज़रिए उस दोबारा खुशियों को एक बार फिर रिकलेक्ट कर दीजिए। प्रणाम माता जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये बुक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और आप यहाँ पे आए हैं मैं हूँ और आए हुए सब एक बार फिर भाई बहन सबको बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत सब लव, खुश रहिए।